1.4 लंदन की सफाई। लंदन को साफ सुथरा बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए। भीड़ भरी बस्तियों की भीड़ कम करने के लिए खुले स्थानों पर हरा भरा बनाने, आबादी कम करने और शहर को योजना अनुसार बसाने के लिए कोशिश शुरू कर दी गई। इसी तरह की आवासीय समस्याओं से जूझ रहे बर्लिन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों का तर्ज पर अपार्टमेंट के विशाल ब्लॉक बनाए गए, लेकिन टेंसमेंट की वजह से यहाँ की समस्या बिकट थी। मकानों की भारी किल्लत के असर को काबू करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किराया नियंत्रण कानून लागू किया गया। 19वीं सदी के औद्योगिक शहरों में घुटने भरे भीड़ भड़क्के में देहाती साफ हवा की चाह बढ़ा दी थी। लंदन और पेरिस के बहुत सारे अमीर तो देहात में अवकाश गृह बनवाने का खर्चा उठा सकते थे, पर यह विकल्प सबके पास नहीं था। शहर के लिए नए फेफड़ों का इंतजाम करने की बात उठने लगी। लंदन के गिर्द हरित पट्टी आदि विकसित करके देहात और शहर के फासले को पटाने की प्रयास भी किए गए। वास्तुकार और योजनाकार एडवर्ड एवनेजर हार्डवर ने गार्डन सिटी, बगीचों का शहर की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने एक ऐसे शहर का खाका खींचा जहां पेड़ पौधों की भरमार हो, जहां लोग रहते भी हों, काम भी करते हों। उनका मानना था कि इस तरह बेहतर नागरिक तैयार करने के लिए मदद मिलेगी। हार्वर्ड के विचारों के आधार पर रेमंड अनविन और वैरी पार्कर के न्यू अर्जविक नाम के एक गार्डन सिटी का डिज़ाइन तैयार किया गया। इसमें साझा बाग बगीचे, सुंदर नज़ारों का इंतजाम किया गया। हर चीज़ की बड़ी बारीकी से सजाया गया था, लेकिन ऐसे मकानों को तो केवल खाते पीते कामगार ही खरीद सकते थे। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, जो एवनेजर हार्डवर थे इन्होंने गार्डन सिटी बनाई थी। फिर उसके बाद जो दूसरे थे रेमंड अल्विन और वैरी पार्कर, इन्होंने क्या करा, एक नए गार्डन सिटी का निर्माण किया। फिर उन्होंने देखा कि जो गार्डन सिटी बनाई गई वो काफ़ी खूबसूरत थी, बाग बगीचे थे, नज़ारे काफ़ी सुंदर थे, पर इन लोगों को सिर्फ जो अमीर थे वो ही खरीद सकते थे। तो यहाँ हमने देखा कि क्या हुआ, इतनी किल्लत चल रही थी यहाँ पे 19वीं सदी में कि मतलब देहाती जो एरिया थे उनको साफ़ करने की ज़्यादा मांग थी। जो शहर के जो लोग थे वो चाहते थे कि जो इनके जो फेफड़े यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है कि शहर के लिए नए फेफड़े को इंतज़ाम करने की बात उठने लगी। तो फिर जो लंदन के इन्होंने क्या कराया, जो लंदन के गिर्द हरी पट्टी बना दी, आसपास लंदन के आसपास इन्होंने हरी पट्टी बना दी, मतलब हरी पट्टी नहीं बनाई, मतलब जो एरिया था वहाँ पे घास वगैरह उगा दी या कोई प्लांट वगैरह लगा दिए इन्होंने। तो इससे जो शहर और देहात के जो फासले थे वो कम होने लगे। पहले क्या था, ज़्यादा भेदभाव चल रहा था, तो वो नहीं हुआ। आगे है विश्व युद्ध के दौरान 1939, इतना देख सकते हो इतना हमारा ये विश्व युद्ध चला है। मजदूर वर्ग के लिए आवास का इंतजाम करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश राज्य ने अपने ऊपर ले ली। स्थानीय शासन के जरिए 10 लाख मकान बनाए गए। अब क्या हुआ, जो स्थानीय शासन के जरिए 10 लाख मकान बनाए गए, इनमें से ज़्यादातर एक परिवार के रहने लायक छोटे मकान थे, मतलब इनमें से ऐसे मकान थे जो जिसमें कि छोटे परिवार रह सके, तो वो जो मकान थे छोटे थे। इस दौरान शहर इतना फैल चुका था कि अब लोग पैदल अपने काम पर नहीं जा सकते थे। शहर के आसपास यानी उप शहरी बस्तियों के अस्तित्व में आने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अनिवार्य हो चुकी थी। अब क्या हुआ, जो लोगों की भीड़भाड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी लंदन में कि जो लोग थे अब पैदल आ जा नहीं सकते थे, इसलिए क्या था कि अब जो सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी और ये अनिवार्य भी हो चुका था।